नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरतालिका तीज पर महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। इस मौके पर सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की अन्नदाता यात्रा नसरुल्लागंज पहुंची, जहां किसानों ने जगह जगह स्वागत किया। राजगढ़ जिले के खिलसीपुर में भादवी दूज पर बाबा रामदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। हरतालिका तीज पर्व पर देश के एकमात्र बालू से बने शिवलिंग सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में महिला श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा कन्याओं को मनचाह वर प्राप्त होता है। उज्जैन के पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका तीज पर महिलाओं और युवतियों का तांता लगा हुआ है। भाद्रपद पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाए जाने वाले हरतालिका तीज के पर्व पर महिलाएं निर्जल उपवास करती है, साथ ही कन्याएं भी अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखती है। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर उज्जैन के 84 महादेव मंदिरों में शामिल है और हरतालिका तीज पर्व पर यहां दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में रात 12 बजे से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला आज रात 12 बजे तक चलेगा। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर व्रत रखती है, वहीं युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के उद्देश्य से उपवास करती है। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इसे निर्जल उपास रखा जाता है और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, उनके निरोग स्वास्थ्य के लिए यह व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। ये 84/84 महादेव सौभाग्येश्वर महादेव है। ये जो भालू का लिंग बना हुआ है, इसलिए ना कि परंपरा विशेष है और ऑल इंडिया में एक ही मंदिर है ये। ये जो है हरतालिका तीज है, महिला जो अपना अच्छे वर के लिए, कुंवारी कन्या जो रहती है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है और घर में सुख शांति समृद्धि हो और ना कई प्रकार की चीज़ें चढ़ती है, 33-35 प्रकार की चीज़ चढ़ती है, बिलपत्र उसको नीलकंठ निराहार रहती है। वो पूरा पूजन होने के बाद ही चाय वगैरह दूध जो भी लेना है वो लेते हैं। जब रात की 12 बजे से लेके दूसरे दिन की 12 बजे 24 घंटे तक ही रहता है पूरा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की अन्नदाता यात्रा नसरुल्लागंज पहुंची। किसानों द्वारा जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची, जहां आयोजित सभा को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण पटेल ने संबोधित करते हुए सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि जो हमारी प्रमुख चार मांगे पूरी करेगा वही राज करेगा, अन्यथा विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा। युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल राज सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितैषी नहीं है। उद्योगपतियों के तो करोड़ों का कर्ज माफ हो जाता है, पर किसानों का हजारों करोड़ों का भी कर्ज माफ नहीं कर पाते हैं। हम ऐसी सरकार की मदद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी स्वामीनाथन सिफारिश को लागू कर दे। राहुल राज ने 28 अक्टूबर को भोपाल पहुंचकर सरकार को ताकत दिखाने की अपील की। नसरुल्लागंज से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, 28 अक्टूबर को हमने सारे मध्य प्रदेश के किसानों से और मजदूरों से आह्वान किया। लाखों की संख्या में वहाँ किसान और मजदूर मौजूद हैं। मांगे हमारी स्पष्ट है, पैम्फलेट पर लिखी है। उससे पहले शासन चेतता है, बहुत अच्छी बात है। उस दिन अगर मानता है बहुत अच्छी बात है, और यद्यपि नहीं मानता है तो उसी वक्त उसी मन से हम अपनी अगली रणनीति जो भी होगी वो अपनी सारी बातें उसी मन से करेंगे। और जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई छोटी मोटी नहीं होगी, हम आपको भी बता देते हैं। 75 दिन इस देश का अन्नदाता सड़क पर, इसके बाद भी अगर सरकार ने जीतती है तो 28 अक्टूबर को एक निर्णायक लड़ाई हम लड़ेंगे। अब वो आर पार की लड़ाई होगी। यात्रा हमारी अपेक्षाओं से ज़्यादा सफलता की ओर जा रही है। जिन जिलों में संगठन का काम नहीं था वहाँ पर भी हमको बहुत अच्छे से खाने की ठहरने की चिंताएँ सब किसान लोग कर रहे हैं। यात्रा किसानों को लागत का 50% लाभकारी मूल्य मिले, जो कि बीजेपी में ने अपने घोषणा पत्र के वादा क्रमांक 5 में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 400 सभाओं में 2014 में कहा। पर अभी जो वो ढिंडोरा पीट रहे थे खरीफ फसल में कि हमने लागत का ड्योड़ा मूल्य दे दिया किसानों को, वो बिल्कुल झूठा प्रचार है। वह लागत का ड्योड़ा मूल्य नहीं है। अगर लागत का ड्योड़ा मूल्य उनको निकलवाना है तो मैं पूरे देश के कृषि अर्थशास्त्रियों को चुनौती देता हूं कि दिल्ली में संसद के अंदर बैठे और पूरे देश का मीडिया आए, हम लागत एक एक बिंदु पर बताएंगे, उस लागत को निकाल कर स्वीकार करें कि ये लागत है।
राजगढ़ जिले के खिलसीपुर में बाबा रामदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं नरसिंहगढ़ में भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। भादवी दूज पर श्रद्धालुओं द्वारा रामदेव जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। खिलसीपुर से 20 किलोमीटर दूर खाजला में स्थित बाबा रामदेव में बड़ी संख्या में तवर समाज के लोग पहुंचे, जहां बाबा की पूजा अर्चना कर ध्वजा भी चढ़ाई गई। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। बताया जा रहा है कि खाजला स्थित बाबा रामदेव मंदिर के आसपास लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, न ही पीने के पानी की व्यवस्था है। इस कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार गोवर्धन तवर से चर्चा की तो कहना था कि यदि क्षेत्र के लोग मुझे जीता कर विधानसभा भेजते हैं तो मंदिर के पास लोगों के बैठने के लिए बड़ी धर्मशाला, पार्क और पीने के पानी के लिए व्यवस्था सबसे पहले की जाएगी। खिलसीपुर से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे यातायात सप्ताह के तहत सनावद थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहा, बस स्टैंड, मोटक चौराहा सहित अन्य क्षेत्रों में वाहनों को चेक कर यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। थाना प्रभारी भदौरिया के मुताबिक यातायात सुरक्षा सप्ताह के तहत प्रतिदिन अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश दी। वहीं पुलिस विभाग द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी छात्राओं को यातायात व अपराधों के संबंध में जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। सनावद से निलेश मालाकार की रिपोर्ट। 4 सितम्बर से 11 सितम्बर तक का पूरा यातायात सप्ताह है, जिसमें अलग अलग तरीके से आम जनता को जागरूकता पैदा करना है। इसमें चौराहों पर लोगों को समझाइश दी गई, जो लोग हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं, चलते वाहनों मोबाइल में बात करते हैं, उनको समझाइश दी गई। जो उपयोग कर रहे हैं उनका स्वागत किया गया कि वो कानून का पालन कर रहे हैं। इसी तारतम में पुलिस कर्मचारियों द्वारा लगातार नियमों का पालन करके हेलमेट लगा के ड्यूटी की जा रही है। स्कूलों में, हॉस्टलों में जाके बच्चों को इस बारे में समझाइश दी गई है और यातायात नियमों का स्वेच्छा से पालन करें ताकि उनकी खुद की सुरक्षा बनी रहे। इस बाबत अभियान चलाया गया है। कांग्रेस द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया पंधाना पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। पंधाना विधानसभा में ग्राम रोशिया, देशगांव, छेगांव, माखन, डुलार, फाटा एवं बोरगांव में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का स्वागत किया। इस मौके पर पंधाना विधानसभा से दावेदार छाया मोरे के समर्थन में नारे लगाए गए। इस दौरान जगह जगह कांग्रेसियों द्वारा स्वागत द्वार भी लगाए गए। इस मौके पर पंधाना विधानसभा से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंधाना से असलम खान की रिपोर्ट। अभी की खास खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।